हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन दे दिया था एक्सरसाइज 7.1 के, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल CDA के। बाय द फिगर, आप लोग फिगर को ध्यान से एनालाइज करिए, मैं बता रहा हूं। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक L है और एक M है, और दो और पैरेलल लाइंस हैं P एंड Q, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट A, यानी P और L लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A, एंड Q एंड L इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, एंड M एंड P इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, एंड Q एंड M इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। वी मीट AC लाइन, पॉइंट को मीट कर दिया, A और C पॉइंट को मीट किया, तो एक AC लाइन बनी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल, एंगल क्या आपका ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी आपस में क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ए बी सी कॉन्करेंट टू सी डी ए बोल सकते हैं, सी डी ए बोल दीजिए चाहे ए डी सी बोल दीजिए, दोनों एक ही है, एक ही ट्रायंगल के अलग अलग नेम है बस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इसे पहले कॉन्करेंट प्रूव करेंगे। तो आपको पता है कॉन्करेंसी में मैंने बताया था, कॉन्करेंट आप चार तरह से ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। अगर चार प्रॉपर्टीज इक्वल हैं, तीन प्रॉपर्टीज अगर ट्रायंगल्स की इक्वल हैं, या तो साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर एक साइड इक्वल होनी चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड बोलते हैं। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, जिसमें क्या होता है, दो एंगल और एक साइड इक्वल होता है। तीसरा होता है SSS, मतलब साइड 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 इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रेंसी लग जाती है। और चौथा होता है RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ये पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा, इसलिए RHS तो अभी नहीं लगेगा, इन्हीं तीनों में से कोई लग सकता है। तो आइए देखते हैं क्या लगेगा। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमें इन्हीं ट्रायंगल के बीच में चीज़ों को देखनी है। तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड आपका ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके ABC और CDA, ABC और CDA दोनों ट्रायंगल्स में आप लोग देखिए कुछ इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इक्वल्स नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, बस सिर्फ बोल दिया कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस एंड P एंड Q आर आल्सो टू पैरेलल लाइन, दे इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट दिस पॉइंट, सो दैट दिस चीज, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा टू पैरेलल लाइंस, ठीक, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, लाइन और एंगल चैप्टर्स में मैं ही आप लोगों को बताया हूं कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां पे एसी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बिकॉज अगर हम एल और एम पैरेलल लाइन लें तो सीडी क्या, एसी क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और उसी तरह से पीक्यू जो पैरेलल लाइंस है उनके लिए भी एसी जो क्या हो जाएगी, आपकी एसी जो हो जाएगी वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। यानी पैरेलल लाइन एल और एम के लिए एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइन पी और क्यू के लिए भी एसी क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए अगर एल और एम के लिए एसी ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या, L और M क्या है, पैरेलल लाइन है और AC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आप लोग बताइए कैसे इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, क्या है दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी एंगल आपका क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड CDA में एंगल आपका क्या, BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC और BCA आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। अगर आप लोग अल्टरनेट एंगल नहीं पता है तो आप
प्लेलिस्ट में जाके लाइन और एंगल चैप्टर्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके वहां से उसको देख के समझ सकते हैं। आइए यहां पे देखते हैं ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, मैंने रीजन दे दिया। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरा ध्यान से देखिए, लाइन पी क्यू के लिए भी तो ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। लाइन पी क्यू के लिए भी आपका ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल, एंगल डी ए बी नहीं, एंगल सी ए बी, माफ करिएगा, एंगल सी ए बी और एंगल आपका ए सी डी, यानी ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों भी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और रीजन वही होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर लाइन पी क्यू पैरेलल है, तो आपके एंगल बी ए सी इक्वल हो गया किसके, डी सी ए के इक्वल हो गया। तो ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल से ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल आपका क्या हो गया, बी ए सी इक्वल टू एंगल आपका किसके हो गया, आपका ए सी डी के, किसके इक्वल हो गया, या डी सी ए के, डी सी ए ही लिख लेते हैं, एंगल डी सी ए के इक्वल हो गया। और रीजन क्या देंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये दोनों, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों, ठीक। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एंगल्स, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। मैंने बता दिया दोनों पैरेलल लाइंस थी, एसी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दे फॉर्म्स अल्टरनेट एंगल्स, और बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, यानी दो एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो हमें क्या चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, एक साइड इक्वल चाहिए। तो फिगर को ध्यान से देखिए, कोई साइड इसमें इक्वल लग रही है, किसमें, ट्रायंगल आपका ए बी सी और सी ए सी डी ए में, ए बी सी और सी डी ए में कोई साइड इक्वल लग रही है, गिवन तो है नहीं कुछ, फिगर देखो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ए सी लाइन क्या है, कॉमन है, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी ए सी लाइन क्या है, कॉमन है। तो फिगर से ही आप लोग को एनालाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। इसीलिए आपका इन सब क्वेश्चंस में फिगर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर बच्चा फिगर को समझ लेता है अच्छे से, तो वो आसानी से इन सब चीजों को प्रूव कर देगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ए सी इज इक्वल टू ए सी फॉर व्हाट रीजन, ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन है एसी, तो दो आपस में इक्वल हो गए। आपका क्या लगा, एंगल एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल लगेगा। और देखने से देखिए, दोनों एंगल्स को रिलेट करता हुआ साइड क्या है, एसी ही है। तो यहां पे हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका, आपका ए एस ए का, यानी एंगल साइड एंगल का। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देन आपका कौन कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करने थे, ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या लिया था, ए बी सी और सी डी ए। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्करेंट होगा। और रीजन क्या दे देंगे, रीजन मैं यहां लिख देता हूं, बाय कौन सा आपकी कॉन्करेंसी लगी है यहां पे, आप लोग बताइए कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी कॉन्ग्रेंसी लगी है एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रेंसी, यानी ए एस ए कॉन्ग्रेंसी से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल आपके सी डी ए। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को लगाना था यहाँ पे। अगर आप लोग पैरेलल लाइन पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आप लोग अल्टरनेट एंगल्स को जानते होंगे, तब भी आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है। लाइन जो L है वो एंगल ऑफ बाइसेक्टर है, एंगल A और B का एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स है। फिर बोल रहा है BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स, BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स टू द
आर्म ऑफ एंगल ए, एंगल ए का आर्म, ये एक आर्म है कि ये आर्म है, दोनों आर्म पे पी और क्यू क्या है, यानी बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, तो मैंने फिगर्स में बना दिया है। तो आपको शो करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, और बी पी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। बुक में लिखा होगा कि दे आर फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, बी से दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो बात वही हुई, चाहे हम बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिखें, चाहे हम लिखें कि बी से पॉइंट क्यू और पी की डिस्टेंस सेम है, यानी इक्वी डिस्टेंस है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला चीज़ हमें ये प्रूव करना है, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी और ए क्यू बी, तो दो ट्रायंगल लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, दो ट्रायंगल्स आ गए आपके ए पी बी एंड ए क्यू बी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ चीज़ें इक्वल हैं, तो ध्यान से देखिए, आपका एंगल P यानी एंगल बी पी ए या ए पी बी, हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए पी बी 90 डिग्री है, और एंगल ए क्यू बी वो भी कितना है, 90 डिग्री, यानी एंगल ए क्यू बी दोनों क्या है, 90 डिग्री है, यानी दोनों इक्वल हैं, और ये चीज़ आपकी क्या है, क्या लिख देंगे, बी पी, रीज़न दे देंगे बी पी एंड BP एंड BP एंड BQ, BQ आर परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, इस वजह से आपके एंगल APB इक्वल हो जाएगा एंगल AQB के, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो एक एंगल आपने इक्वल किया इन ट्रायंगल्स में। अब देखिए, और आप लोग फिगर्स को ध्यान से देखिए, एंगल A को लाइन L क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जो एंगल, ये वाला एंगल होगा, एंगल जो ये होगा, यानी एंगल PAB QAB दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज लाइन एल इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो क्या होगा, दोनों के एंगल्स सेम होंगे। कौन कौन से एंगल्स आपके सेम हो जाएंगे, एंगल आपका कौन सा, एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल आपका पी ए बी, कौन सा, पी ए बी, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिकॉज अब रीजन क्या देंगे, एल इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, लाइन एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही रीजन की वजह से एंगल क्यू ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए बी के। यहाँ से दो एंगल इक्वल हुए, और हमें एक साइड और इक्वल चाहिए, तभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे दोनों ट्रायंगल्स को। तो ध्यान से देखिए, फिगर में एक ट्रायंगल है आपका ए पी बी और दूसरा ए क्यू बी, दोनों ट्रायंगल्स में आप लोग अगर फिगर एनालाइज करेंगे तो कुछ कॉमन दिखेगा, लाइन ए बी ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है ना दोनों लाइन, दोनों ट्रायंगल्स में लाइन ए बी क्या है आपकी, कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां से बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, ए बी की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी ए बी के, यानी ए बी इक्वल होंगे बाय कॉमन साइड। आशा करता हूं दिख रहा होगा आप लोग को, यहां पे कॉमन साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे, अब ये चीज़ कॉमन साइड है, ये आप लोगों को पता होगा, पिछले 3-4 क्वेश्चन से मैं बता चुका हूँ, जब इक्वल ए बी इज इक्वल टू ए पी है, ए बी है, तो वो कॉमन साइड होता है, तो रीज़न आप लोग को जानते ही होंगे, ये कॉमन साइड है, ए बी कॉमन साइड है ट्रायंगल ए पी बी में और ए क्यू बी में, तो आपका दो एंगल और एक साइड, उससे रिलेटेड एक साइड इक्वल हो गया, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई आपकी, तो आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, दो साइड और एक
एंगल आपका इक्वल होगा तो कौन सा लगेगा, माफ करिएगा, दो एंगल और एक साइड लग रहा है, क्या लग रहा है, दो एंगल और एक साइड लग रहा है, यानी ए एस ए। तो भाई ए एस ए देन हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल आपके ए क्यू बी के, किसके, ए क्यू बी के कॉन्करेंट होगा। और रीजन क्या दे दीजिएगा आप, बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगी है, तो ए एस ए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हमारा पहला चीज प्रूव हो गया, यहां से हमारा पहला चीज प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या करना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, दूसरी चीज क्या थी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी और बी क्यू यानी हम क्या बोल सकते हैं, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को पता होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। तो बाई सी पी सी टी हम क्या बोल सकते हैं, बाई सी टी पी सी पी सी टी वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू आपके बी क्यू बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपके इसके, जो दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं बी पी और बी क्यू। और सी पी सी टी बोलता है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होते हैं किसके, कॉन्करेंट ट्रायंगल के, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो वहां से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, और यही रिलेशन शो करता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल, या आपका पॉइंट पी क्यू आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। तो ये था सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब लोग आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। तो आपको शो करना है बी सी इज इक्वल टू डी। तो आप लोग ध्यान से यहाँ से देख लीजिएगा, ये उसका फिगर है जहाँ पे ए बी सी और ई एक क्वाड्रिलेटरल है, और ए डी, डी जो पॉइंट है बी सी पे एक पॉइंट डी है, और ए डी को हमने मैच किया और ए ई को हमने मैच किया। यहाँ पे चीज़ें इक्वल है, मैंने मार्क कर दिया है, ए सी ए के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए डी की वैल्यू एंगल ई ए सी के इक्वल है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे पहले, देखिए हम क्या करेंगे पहले, गिवन क्या आपका, एंगल बी ए डी गिवन है, क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी गिवन है, गिवन है ये चीज। अच्छा, ये चीज आपकी क्या है, गिवन है, लिख देंगे हम लोग गिवन है। उसके बाद हम लोग, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई को कॉन्करेंट प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम बी सी और डी को इक्वल कर पाएंगे। नहीं तो कोई यहाँ पे वैल्यू लेंथ की दी नहीं है कि आप उससे क्या कर पाइए, इसको इक्वल कर पाइए। तो कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल गिवन है तो हमें ये एंगल भी कॉन्करेंट प्रूव करने पड़ेंगे। इस वजह से हम पहले इसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एड एंगल आपका डी ए सी, एंगल डी ए सी इन Above equation, above equation में हम एंगल डी ए सी को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस, क्या हो जाएगा, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी, डी ए सी हो जाएगा। हमने दोनों तरफ डी ए सी को ऐड कर दिया, ठीक, डी ए सी को यहां भी ऐड कर दिया, यहां भी ऐड कर दिया। तो ऐड एंगल डी ए सी इन एबव इक्वेशन, ठीक, यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, ऐड एंगल डी ए सी
बोथ द साइड, ये यहां से लिखिए एड बोथ द साइड एंगल डीएसी, बोथ साइड यहां से लिख देते हैं बोथ साइड एड एंगल डीएसी इन अबव इक्वेशन। ठीक, हमने लिख दिया बोथ साइड एड एंगल डीएसी इन अबव इक्वेशन। अब बीएडी प्लस एंगल डीएसी, ईएसी प्लस एंगल डीएसी। अब ध्यान से देखिए फिगर में बीएसी प्लस एंगल डीएसी क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ए एंगल, तो क्या हो जाएगा एंगल बीएसी हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बीएसी बोल सकते हैं। किसको, इन दोनों को मिला के, आप लोग फिगर से देखिएगा, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं एंगल बीएसी, और एंगल ईएसी और एंगल डीएसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ईएसी, और एंगल डीएसी को मिला के हम क्या बोल सकते हैं एंगल ईएडी, क्या बोल सकते हैं एंगल ईएडी। आप लोग फिगर को देखिएगा, एंगल ईएडी बोल रहे हैं किसको, एंगल ईएसी और एंगल डीएसी को मिला के, क्या बोल रहे हैं एंगल ईएसी। यहां से हमारी ये चीज इक्वल हुआ, उसके बाद इक्वल होने ये हमारी चीज इक्वल हो गई है, अभी हमारा पूरा सॉल्यूशन आया नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, अब देखिए आपको क्या बीसी और डी इक्वल करना है, तो आपको मैंने बताया कौन सा ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूव करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, क्या ए डी ई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, आप देखिए दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए डी के, दूसरे ट्रायंगल के ए डी के लेंथ के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, और ये चीज आप, मैं बोल नहीं रहा हूं, ये चीज गिवन है, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम गिवन में लिख देंगे, ठीक, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये चीज गिवन है, फिर देखते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवेन है आपका, उसके बाद क्या गिवेन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी क्या है आपका गिवेन है, ये भी चीज आपकी क्या है गिवेन है, और दोनों ये दोनों चीज क्या है इसी ट्रायंगल में आ रही है। उसके बाद आपने निकाला ही है एंगल बी ए सी और एंगल ई ए सी को, बिकॉज दो साइड इक्वल हो गए, या तो एक साइड मिले हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, या फिर हमें एक एंगल चाहिए, तो हमने एक एंगल निकाला एंगल बी ए सी और एंगल ई ए सी, दोनों जो एंगल्स है, बी ए सी आपका ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट है और एंगल ई ए सी ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है, तो हम इसको इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि हमने यहां से निकाला है इसको सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब इसका रीजन क्या देंगे, बाई ऑप्टेनिंग, ऑप्टेनिंग या बाई सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के थ्रू हमने इसे निकाला है। अब आपके एक साइड, दो साइड और एक एंगल, मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, तो हम क्या बोलेंगे देन आपका क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी कॉन्करेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आपके ए डी ई क्या हो जाएंगे, ए डी ई आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल हमारे कॉन्करेंट आ गए, जब ये ट्रायंगल कॉन्करेंट आ गए तो बाई सी पी सी टी हम क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी का मतलब कॉन्करेंट क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, बाई सी पी सी टी का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, वॉट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू डी, बिकॉज बी सी इज द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ये दोनों पार्ट हैं ट्रायंगल्स के, और आपस में चूंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं, तो बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो बी सी की वैल्यू होगी वो डी ई के इक्वल हो जाएगी,
बीसी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाएगी। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। बस इसमें हमें थोड़ा सा इसको डीएसी को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें एक एंगल मिल जाए, इससे इसके थ्रू हमने इसको ऑप्टेन किया है और ये चीज़ें गिवन थी। और जब ऑप्टेन करने के बाद हमने तीनों चीज़ों को लिखा और बाई एसएएस हाँ यहाँ पे किस किस कॉन्ग्रेंसी के थ्रू ये आपका कॉन्करेंट हुआ है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एसएएस बाई एसएएस कॉन्ग्रेंसी, बाई एसएएस कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। उसके बाद जब एक बार कॉन्ग्रेंसी आ गई तो हमने सीपीसीटी लगा दिया वहाँ पे, और सीपीसीटी लगाने का मतलब क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल आर इक्वल, सो बीसी इज इक्वल टू डी। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।